स्पेस में चला जाएगा और फिर आप कुछ नहीं कर पाएंगे। नमस्कार, लेमन न्यूज के भविष्यवाणी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ राजेश कोचरेकर और हर हफ्ते के शनिवार की तरह इस हफ्ते भी पंडित राजकुमार शर्मा जी की भविष्यवाणी के साथ हम हाजिर हैं। दोस्तों, कुछ ही घंटों के बाद महाराष्ट्र में या पूरे देश भर में जो नया हिंदू साल है उसकी शुरुआत होगी गुड़ी पाड़वा के शुभ अवसर पर। गुड़ी पाड़वा के कुछ घंटे पहले भविष्यवाणी का ये कार्यक्रम लेकर हम आपके सामने हाजिर है। इस हफ्ते में कई सारी ऐसी बातें हुई है कि जिन बातों पर पंडित राजकुमार शर्मा जी ने अपना भाष्य किया है, अपनी भविष्यवाणी की है, और उस भविष्यवाणी को बहुत बड़ी मात्रा में सच में बदलते हुए पूरे देश ने और आवाम ने पाया है। तो यही पंडित राजकुमार शर्मा जी का स्वागत करते हैं। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और इस स्वागत के शुरुआत में सबसे पहले हम बात करेंगे गुड़ी पाड़वा को लेकर। पंडित जी, गुड़ी पाड़वा जो है 31 तारीख को पूरे देश भर में मनाया जाएगा, इस साल का गुड़ी पाड़वा, और इस साल से शुरू होने वाला जो नया साल है किस तरह का होगा? देखिए, सबसे पहले तो हमारे दर्शकों को और जितने भी हमारे सुनने वाले और देखने वाले हैं उनका अभिनंदन करता हूं मैं कि कितने हजारों आपके अभिनंदन के मैसेज आते हैं। अब बात करते हैं गुड़ी पाड़वा की। जब हम गुड़ी पाड़वा की बात करते हैं तो पाड़वा का मतलब होता है त्यौहार और गुड़ी का मतलब होता है हिंदी में झंडा। ऐसा कह लीजिए कि अगर हम उस गुड़ी का अच्छी तरह से अगर हम स्क्रीन पर देख रहे थे अभी, जब हम उस गुड़ी को उभारते हैं या अपने घर के द्वार पर या अपने घर की छत के ऊपर लगाते हैं तो उसका मतलब है कि हम प्रकृति का अभिनंदन करते हैं। वो प्रकृति जो हमें जीवन देती है, वो प्रकृति जो हमें सांस देती है, वो प्रकृति जो हमें सूर्य की किरणें देती हैं। और अगर हम अच्छी तरह से उस गुड़ी को देखते हैं तो उस गुड़ी के ऊपर एक वस्त्र हो, एक बर्तन होता है, और बर्तन के साथ में कुछ मीठे पताशे होते हैं, और उसके साथ में कुछ नीम के पत्ते होते हैं, और उसके साथ में एक वस्त्र जो है वो सुंदर तरीके से लिपटा हुआ होता है। उसको हम एक डंडे में उल्टा करके अपने छत के ऊपर लगा देते हैं। उसका मतलब ये होता है कि हे भगवान, आज हिंदू वर्ष के शुभ दिन के बाहर हमारे बर्तनों में, बर्तन तक की पूजा हमारे हिंदू धर्म में होती है, इसमें कभी भी किसी भी तरह की कोई कमी ना रहे। और नीम जो है, क्योंकि आज के दिन इन्हीं दिनों में वसंत ऋतु का मौसम होता है, फोड़ा फिंसी या किसी तरह का आरोग्य या स्किन प्रॉब्लम्स होती हैं, तो नीम जो है वो नीम खाया भी जाता है। अगर आप अच्छी तरह देखेंगे तो पूर्व कुछ 10-20 साल पहले ही महाराष्ट्र में नीम और गुड़ की चटनी बनाकर एक दूसरे में बांटी जाती थी, खाई जाती थी। उसका कारण यही है कि नीम जो है आरोग्य प्रदान करता है, और पताशे जो हैं मीठे होते हैं, आपके जीवन में मधुरता आए, इसी तरह आप सुंदर मधुर बनते रहें, हमारे देश में शांति हो। और वस्त्र जो होता है आपकी नग्नता को ढकता है, और इसी तरह आपके जीवन में कभी भी रोटी कपड़ा और मकान या वस्त्र या बर्तन, इनमें कभी भी किसी भी तरह की कोई कमी ना हो। इसलिए हम उस दिन इन पांच या छह चीजों की आराधना करते हैं, प्रार्थना करते हैं, और साथ में मंत्र बोलते हैं भगवान श्री कृष्ण का, शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृश्यं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकांतं कमलनयनं योगी विद्यानगम्यं वंदे विष्णु भवविहरं सर्वलोकेकनाथं। पौराणिक द्वापर या त्रेता में कहा गया है कि भगवान राम ने रावण के ऊपर चढ़ाई करने के समय आज ही का दिन चुना था, और ब्रह्मा ने, राजेश जी आपको जानकर आश्चर्य होगा, प्रसन्नता होगी कि ब्रह्मा ने जब पृथ्वी का सृजन करना चाहा, जब पृथ्वी का निर्माण करना चाहा, इस संसार का निर्माण करना चाहा, तो आज ही का दिन यानी गुड़ी पाड़वा, सोमवार को गुड़ी पाड़वा का त्यौहार है, वही दिन चुना गया। और वो
गुड़ी पाड़वा मेष राशि सोमवार का दिन और रेवती नक्षत्र में शुरू हो रहा है। साल की शुरुआत मेष राशि से है, मंगल की राशि है, इसलिए काफ़ी उथल पुथल होगा। राजनीति में बहुत सी घटनाएं होंगी। साथ में सोमवार है, आप देखेंगे कि विमान की दुर्घटनाएं जैसे हो रही हैं, इसी तरह आतंकवादी जैसे पकड़े गए हैं, उस तरह की कुछ वातावरण भी सामने आएंगे। मगर कहीं ना कहीं आर्थिक स्थिति देश की मजबूत होती हुई दिखाई देती है। ये मोटा मोटा मैं आपको पूरे साल का समावेश बताता हूँ, मगर आगे जाकर कुछ राशियों की भी बात कर सकते हैं या उस दिन किसी कार्यक्रम में भी बात कर सकते हैं। मगर मित्रों, एक बात पक्की है कि गुड़ी पाड़वा के दिन आप अपने माता पिता को प्रणाम करें, अपने पूर्वजों को प्रणाम करें, सोमवार का दिन है, भोलेनाथ का अभिषेक करें तो आपको विशेष लाभ मिलेगा। हिंदू धर्म जो है ये कहता है कि अपने माता पिता की सेवा करने मात्र से आपके जीवन में प्रसन्नता आ जाती है। गुड़ी जरूर उभारें उस दिन, अपनी अपनी छत के ऊपर गुड़ी जरूर उभारें ताकि आपके जीवन में भी कभी वस्त्र की कभी बर्तनों बर्तन खाली ना हो, अच्छे अच्छे आप वस्त्र पहने और कभी भी आपके जीवन में आरोग्य मीन्स रोग ना आए, आप आरोग्य रहें, साथ में आप मीठा बोलते रहें। इसी तरह का ये त्यौहार जो है वो संकेत लाता है। पंडित जी, अभी हम शुरुआत करेंगे कि गुड़ी पाड़वा के बारे में आपने सब सारी बातें बताई, अभी जिन चीजों पर आपने बात की थी उसमें से एक अहम चीज थी राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण के बारे में आपने जो कहा था, पिछले लंबे समय से आप उसके ऊपर टिप्पणी करते आ रहे हैं, जैसे समय बदलते गया वैसे कुछ चीजें बदली। आपने क्या कहा था 7 महीनों के पहले, आपने क्या कहा था 3 महीनों के पहले, और आपने 25 तारीख के पहले क्या कहा था, वो हम दर्शकों को दिखाएंगे। अशोक चव्हाण के बारे में पंडित राजकुमार शर्मा जी की जो भविष्यवाणी है वो देखते हैं और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। जो उनके ऊपर मुसीबत आई उसकी प्रेडिक्शन हम टीवी में कर चुके हैं। तुम्हें आदेश केले लो तो हाँ कि भाई इतनी तारीख से लेकर इतनी तारीख तक ओबामा यहाँ रहेगा, उसके बाद में वो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर शायद नहीं रहेंगे, वो की ग्रह दशा फेवरेबल नहीं है। अभी भी ग्रह दशा जो है उनकी जून 2013 तक बहुत अच्छी नहीं है। मैं यही कहूँगा कि उनके कार्यकर्ताओं को भी और आपके चैनल के माध्यम से कि सफलता शुरू हो गई है, मगर चीफ मिनिस्टर वापस बनना हो सकता है 2017 के बाद एक बार मौका मिले वापस, और 2014 के इलेक्शन में कांग्रेस में अपनी वापस जगह बनानी चाहिए आदर्श के आरोपों से मुक्त होने के बाद। 2017 के बाद कहीं उनके योग बनेंगे, मगर उससे पहले डेफिनेट ज्यादा जल्दबाजी ना करें। जल्दबाजी करके कोई फायदा नहीं है। उनके पिताजी से लेके अब तक उनके मित्रों की बात करें तो डेफिनेटली उनके मित्र उनके घनिष्ठ ईमानदार और आगे आने वाले उनके साथ खड़े हुए मित्र मिलेंगे, और ये सिर्फ सिर्फ सूर्य की लगन में परिस्थिति, सूर्य की लगन में प्लेसमेंट की वजह से उनको दिखाई देता है। और तब तक तो मुझे नहीं लगता कि कोई इनको राहत मिलेगी, मिलेगी भी तो कोई ना कोई दूसरा लफड़ा दूसरा पचड़ा इनके सामने आता हुआ नजर आएगा। मगर उसके बाद राहु में सूर्य, राहु में चंद्रमा, राहु में मंगल, ये इनको कोई ना कोई राहत जरूर दिलाएगा। अगर ये चीफ मिनिस्टर नहीं भी बनते तो डेफिनेटली ही विल वंस अगेन बिकम ए कैबिनेट मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र। की महादशा चल रही है 2017 तक जी, ये बाउंस बैक करेंगे वापस, कहीं ना कहीं इनको राजकुमार राहुल गांधी या मैडम या कोई ना कोई समर्थन देगा जिससे ये वापस राजनीति में आएंगे और अगले 10 साल में एक बार फिर चीफ मिनिस्टर बनने के योग इनके बनेंगे। एक बात पक्का है कि अशोक शंकर राव चव्हाण जो है वो अगले 3 से 6 महीनों के अंदर अंदर अपनी मुसीबतों से बाहर निकलते हुए दिखाई देते हैं, दिखाई देते हैं। हाँ। कहीं ना कहीं देवी का बल जो है वो अशोक शंकर राव चव्हाण को मिला है, स्त्री के कारण ही उनको ये समस्या आई थी। और अगर आपको याद हो कुछ चैनलों के माध्यम से और आपकी भविष्यवाणी के माध्यम से भी ये भविष्य मैंने किया था कि अब दिल्ली अब दिन बहुत दूर है, 2 साल पहले भी और उसके बाद में भी मैं नेगेटिव ही रहा उनकी कुंडली में, और जब उनकी गद्दी छिनने वाली थी उन दिनों भी मैंने कुछ चैनलों के माध्यम से ये बोला था कि ही मे नॉट बी
कंटिन्यू एज चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र, मगर इस वक्त की जो दशा देखी जाए उनको सीट मिलने के आसार दिखाई देते हैं, जैसे कि पवन बांसल को मिल गए। अभी हमने देखा कि किस तरह से पंडित जी ने एक साल पहले जो भविष्यवाणी की थी, फिर 7 महीने पहले जो भविष्यवाणी की थी, और 5 दिन पहले जो भविष्यवाणी पंडित जी ने की थी अशोक चव्हाण को और पूरे महाराष्ट्र को, पंडित राजकुमार शर्मा जी के भविष्यवाणी का अनुभव आया। हम इन सारी चीज़ों पर बात करेंगे, लेकिन हम सबसे पहले पंडित जी से रूबरू होने का एक मौका देंगे। हमारी कॉलर है रजनी जी कांदिवली से। रजनी जी पूछिए, क्या पूछना चाहती है आप? हेलो। हाँ रजनी जी पूछिए। हाँ, पंडित जी, मैंने मेरी आपसे 2012 में दिसंबर में बात हुई थी। हाँ, तो उस टाइम मैं अपने बेटे के लिए पूछा था, आपने बोला था कि मूंगा पहनो और मई तक उसकी शादी हो जाएगी। हाँ जी, तो शादी हो गई, लेकिन अब 6 महीने 7 महीने शादी टिकी, वो लड़की अपने मायके चली गई। मैं पूछना चाहती हूँ कि क्या वो लड़की वापस आएगी कि नहीं? क्या नाम है उन आपके बेटे? लड़के का नाम है राहुल, और 3 सितंबर 1983 चंडीगढ़, शाम को 6:20। 3 सितंबर 1983। हाँ, और टाइम? शाम को 6:20। हाँ, चंडीगढ़। अच्छा जी, ठीक है जी। तो अभी मतलब कहने का इनकी जो परिस्थिति है, वो लड़की जो है वो मतलब कहने का कि चली गई है। मिथुन राशि, अब अगर हम कुंडली का अध्ययन करते हैं तो डेफिनेटली कुंडली में बुध की महादशा लगी हुई है, और बुध जो है इनका वो ठीक है, मतलब मध्यम ग्रह है, और जो लड़की गई है मेरे हिसाब से वापस आती हुई दिखाई देती है। आप थोड़ा सा अपने आप को कंट्रोल, अपनी भावनाओं को करके अगर आप अप्रोच करेंगे तो डेफिनेटली वो लड़की जो है वो वापस आ सकती है, क्योंकि कहीं ना कहीं तान ज़्यादा तन गई थी। केतु की, बुध में केतु की जब अंतरदशा इनकी शुरू हुई राजेश जी, तो तभी इनको समस्याएं, मतलब कहने का कि बहू के साथ में बेटे की और बहू की और आपकी भी शायद कुछ समस्याएं बढ़ गई होंगी, जिसके कारण वो सहन नहीं कर पाई और वो चली गई होंगी। कहते हैं कि ग्रह दशा अपनी चाल चलती है, जैसे आपने देखा कि अशोक चव्हाण के बारे में, अभी इसी तरह समय बदलता रहता है बेटा। मैं आपसे यही कहूँगा कि 28 अप्रैल के बाद में समय बदल रहा है, एक बार फिर वो लड़की के वापस आने के योग बनते हैं। अगर कहीं अगर ये अकेले रहना चाहते हैं या किसी तरह की कोई कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन करना चाहते हैं, तो उसके ऊपर ध्यान दिया जाए और बेटे को अच्छी क्वालिटी का एक पुष्कराज पहनाया जाए। जी जी पंडित जी, अभी तो हम बात कर रहे थे अशोक चव्हाण को लेकर, और अशोक चव्हाण के बारे में हमने सभी को ये समझा दिया कि किस तरह से आपने भविष्यवाणी की थी, लेकिन इसी तरह की भविष्यवाणी आपने एन श्रीनिवासन के बारे में भी की थी। क्या भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड जो है, BCCI, पूरे विश्व भर में एक बहुत ही रईसमंद स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर BCCI जानी जाती है, तो क्या BCCI की जिस तरह से हालत हुई है, जिसे सुप्रीम कोर्ट भी चिंतित है, क्या आपको लगता है BCCI का भविष्य क्या होगा? देखिए, जब हम एन श्रीनिवासन की कुंडली का अध्ययन करते हैं, 3 जनवरी 1945 उनका डेट ऑफ बर्थ है। राजेश जी, आपके शो के माध्यम से एक बार मैं ये कह चुका था, अगर आपको याद हो, कि ये अपनी सीट से उतर जाएंगे और फिर वापस आने आ भी सकते हैं कोई ना कोई जुगाड़ करके। मगर इस वक्त अगर हम उनकी कुंडली का अध्ययन करते हैं तो एक बात पक्की है कि एन श्रीनिवासन की मुश्किलें ख़त्म नहीं हुई। एक बात प्लीज़ ध्यान से आप सुनिए, एन श्रीनिवासन की कुंडली का अध्ययन करते हुए एक बात तय है कि उनकी भविष्य, उनकी आगे आने वाली जो आगे आने वाले जो उनके दिन हैं, विशेषतर लिख के ले लीजिए आप, 20 अप्रैल के बाद उनकी मुश्किलें और बढ़ेंगी। आज मुझे लगता है कि गावस्कर जी को कुछ उनकी जगह, कोई जगह मिली है, अगर इफ आई एम नॉट रॉन्ग। मगर एन श्रीनिवासन जो हैं वो अभी भी एक बहुत बड़ी इंक्वायरी के और रॉन्ग प्लेसमेंट ऑफ स्टार के अंडर हैं। उनको इस समस्या से अभी पूरी तरह से जूझना है। इट इज़ नॉट अ टाइम टू रिलैक्स। अगर आप बोलें कि वो रिलैक्स करके घर पे बैठ जाएंगे और वापस मुखिया बन जाएंगे, तो आपके शो के माध्यम से एक बार मैंने कहा था तो वो हटे थे, याद होगा आपको जी। मगर इस वक्त फिर
हटते हुए नजर आते हैं और उसके बाद में कुछ ऐसी समस्याएं नजर आती हैं जिनकी जिनका उनको जवाब देना भारी पड़ जाएगा और उसी चक्कर में उनके दामाद मैयप्पन और साथ में पूरी की पूरी चेन्नई टीम, उनमें हमारे देश के करणधार श्री धोनी जी भी हैं जी। इजी नहीं, नहीं, लेकिन आपका ये कहना है कि श्रीनिवासन तकलीफ में है। श्रीनिवासन अभी तकलीफ में कितने हैं वो तो मुझे मालूम नहीं है, मगर कुंडली कहती है कि अभी तकलीफ शुरू हुई है और इस तकलीफ की डेंसिटी बढ़ेगी और ये भी समय आ सकता है कि श्रीनिवासन को कहीं ना कहीं कारावास भी हो सकता है। क्या कह रहे हैं पंडित जी आप ये? हाँ, कोई ना कोई समस्या, क्योंकि ग्रह दशा अपनी चाल चलती है। श्रीनिवासन एक ब्राह्मण शख्स है, साथ ही साथ बहुत ही स्वाभिमानी शख्स के तौर पर भी उन्हें देश भर के क्रिकेट क्षेत्र में जाना जाता है और इंडिया सीमेंट के मालिक है, सब कुछ है इंडिया सीमेंट के, क्रिकेट के लिए बड़ा योगदान देने में माहिर है। तो ऐसे में जब इनके ऊपर अगर किसी तरह की जेल या इस तरह की अगर बातें हो जाती है इनके साथ तो वो बेहद दुखद होगा। लेकिन इनके सामने देखिए 10/6/2014 तक जी 10/6/2014 तक गुरु में केतु राहु और शनि तीनों राक्षस ग्रह हैं। आप ये समझ लीजिए कि मैं सिर्फ आपके सामने बैठा एक तोता हूँ जो बोलता रहता हूँ और ग्रह दशा का अध्ययन करके आपको पढ़ता रहता हूँ, एक माध्यम हूँ मैं सिर्फ आपके सामने मित्रों। इसलिए आपने ये भविष्यवाणी देखी है कि श्रीनिवासन से 100, 200, 500 गुना पावरफुल सुब्रतो राय जो हैं वो आप हमारे ही शो के माध्यम से भविष्यवाणी की थी आपके माध्यम से, वो भीतर तिहाड़ जेल में बैठे हुए हैं। तो श्रीनिवासन जो है वो उनके सामने तो मुझे नहीं लगता इतने बड़े व्यक्ति हैं। इसलिए जब ग्रह दशा खराब होती है तो ये राजा अंदर बैठ जाते हैं, ग्रह दशा खराब होती है तो इंदिरा गांधी अंदर होती है, ये बात ध्यान रख लेना आप। 1977 की मित्रों आपने बात देखी होगी, इसलिए आप ध्यान रखिए। इस जो राजीव गांधी से पहले प्रधानमंत्री थे वो लखुभाई पाठक के चक्कर में आकर बंद हुए थे, अगर आपको याद हो, हैदराबाद के जो मैं नाम भूल रहा हूँ वो भी अंदर हुए थे। तो ये बात भूल जाइए क्योंकि ग्रह दशा अपनी चाल चलती है, फिर वहां पे जेठमलानी, हर्षा साल्वे, मुकुल रोहतगी कोई काम नहीं आता, फिर आपकी ग्रह दशा आपको उस काम के भीतर लेके जाती है और इस तरह की ग्रह दशा जो है वो माननीय श्री एन श्रीनिवासन की लगी हुई है। उनको बहुत ध्यान रखना चाहिए और विशेषतर 20 अप्रैल के बाद में उनकी समस्याएं बढ़ेंगी, कम नहीं होंगी। पंडित जी, उनकी समस्या कम नहीं होगी ये आप कह रहे हैं, हम इस पर चर्चा जारी रखेंगे। लेकिन सांताक्रूज से एमिली जी का फोन है, एमिली आपसे बात करना चाहते हैं। एमिली पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं? नमस्ते पंडित जी, हेलो। मेरे हस्बैंड के लिए पूछना था, उनका नाम है कार्तिक शाह, उनका बर्थ ऑफ डेट है 6/7/1971, मतलब 7/11/1971 बड़ोड़ा गुजरात, टाइम 5:10 सुबह, शाम 5:10 बड़ोदा गुजरात में है। हाँ हाँ, तो क्या पूछना अच्छा चाहती हैं आप? हाँ जी, बड़ोदा। हाँ, सवाल पूछिए ना। हाँ जी पंडित जी, मेरे हम लोग बस छोटे घर में रहते हैं तो पंडित जी हमारा बड़ा घर कब होगा वो पूछना था खास। हाँ, मिथुन राशि है उनकी और अगर कुंडली का अध्ययन करें तो मेष लगन में सप्तम भाव में शनि राहु बैठे हुए हैं, तो अभी बेटा अप्रैल 2015 तक आपको वेट करना पड़ेगा और काफ़ी काम में भी उनके कमजोरी आई हुई है। आप कोशिश करिए हो सके तो एक मंगल यानी मूंगा उनको पहना दें तो उससे उनको लाभ मिलेगा और बड़े घर की कामना छोड़े मत, कुंडली उनकी अच्छी है, कामों में बढ़ोतरी मिलेगी अगस्त 2014 के बाद, फिर और फायदा होगा और बड़े घर की कामना भी आपकी पूरी होगी माँ माता रानी की आशीर्वाद से। जी पंडित जी, अभी हम बात कर रहे थे एन श्रीनिवासन के बारे में, तो एन श्रीनिवासन के बजाय सुनील मनोहर गावस्कर, जिन्हें लोग लिटिल मास्टर के नाम से जाने जाते थे, टेस्ट क्रिकेट में सबसे पहले 10,000 रन पूरे करने का श्रेय जो है उनको जाता है और बहुत ही बढ़िया क्रिकेटर के रूप में पूरे विश्व भर में उनका बोलबाला है, तो ऐसे गावस्कर का चयन जो है स्वयं सुप्रीम कोर्ट ने किया है, क्या गावस्कर आज तक अपनी हर
बात में कामयाब हुए, अब वो बीसीसीआई के चेयरमैन के रूप में कामयाब होंगे या नहीं? देखिए, जब गावस्कर साहब की कुंडली का अध्ययन करते हैं तो बचपन से लेकर अब तक अगर मंगल की परिस्थिति देखी जाए तो मंगल खेलों का ग्रह है, मंगल जो है वो पराक्रम का ग्रह है। उसके साथ में राहु की अगर प्लेसमेंट देखी जाए गावस्कर की तो बहुत ही सुंदर है। उन्होंने अगर इतने छोटे कद के बावजूद भी पूरे विश्व में अपने कीर्तिमान स्थापित किए और कहीं ना कहीं तेंदुलकर की के कैरियर में भी उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। और तीसरी बात यह है कि इस वक्त जब हम गावस्कर की बात करते हैं तो गावस्कर राजनीति की तरफ जाते हुए दिखाई देते हैं। हो सकता है अगले कुछ दिनों में या कुछ महीनों में कहीं ना कहीं कोई ना कोई पार्टी उनको राज्यसभा मनोनीत कर दे और बीसीसीआई में निष्पक्ष तौर पर बिना किसी झंझट के, बिना किसी रुकावट के वो कंटिन्यू करते रहे, वो करते रहेंगे। लेकिन पंडित जी, सुनील गावस्कर की एक सबसे बड़ी जो बात है वो कहते हैं कि मैं किसी भी संगठन का चुनाव नहीं लड़ूंगा और चुनाव लड़कर जो भी राजनीति करनी होती है, जो भी रणनीति बनानी होती है, वो मेरे बस की बात नहीं है। ऐसे उनके कुंडली में क्या लिखा हुआ है? देखिए, 10 जून नहीं, मेरी बात सुनिए, मंगल, और मैं उनकी कुंडली में भाष्य कर चुका हूँ पहले भी। मंगल की अगर हम बात करें, राहु की बात करें, तो आपने जो बात कही है बिल्कुल वो उस तरह की प्रवृत्ति, उस तरह की प्रकृति के मालिक नहीं है। हेलो, कि वो कहीं इलेक्शन लड़ें या स्टेज पे जाकर भाषण करें या 2000 लोग उनको सुन, नहीं। जैसे तेंदुलकर जो है उनको राज्यसभा में सिर्फ बल्ले से बोलना आता है, हाँ, राज्यसभा में मनोनीत किया। अभी तेंदुलकर को स्टेज पे चढ़ा दिया जाए तो वो एक राजनीतिज्ञ नहीं है, वो देश का अभिमान है, देश का पराक्रम है, देश की शोभा है। तो इसी तरह गावस्कर भी देश की शोभा है, उनको मनोनीत करेंगे कोई ना कोई पार्टी और वो एक्सेप्ट भी करेंगे। मगर इस वक्त उनकी नई पारी शुरू हुई है मित्रों, अगले 3 से 4 साल देखेंगे आप कि बीसीसीआई में वो अपने नए कीर्तिमान स्थापित करेंगे और कहीं ना कहीं श्रीनिवासन और या कुछ लोग जो कि सीबीआई की इंक्वायरी के अंडर आ रहे हैं उनको कंपटीशन देने के बाद में गावस्कर फिर इसी जगह के ऊपर अच्छी तरह से अपना काम करते रहे। जी पंडित जी, जोगेश्वरी से रिशान जी आपसे बात करना चाहते हैं। रिशान जी पूछे, क्या पूछना चाहते हैं? नमस्ते पंडित जी। हेलो हेलो, नमस्कार। पंडित जी, मुझे मेरे कजिन के बारे में पूछना है। डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और नाम बोलिए उनका। जी, डेट ऑफ बर्थ है 01/6/1988। पंडित जी, टाइम इनका नहीं मालूम, इनका नाम है अस्मिता। हाँ। पंडित जी, इनके स्वास्थ्य के बारे में जानना है क्योंकि ये मतलब इनकी तबीयत ठीक नहीं रहती है, मतलब महीने में 2 बार या 3 बार मतलब इनका स्वास्थ्य बिगड़ते रहता है, ये किस वजह से जान सकता हूँ पंडित जी? हाँ हाँ, सबसे पहले तो शायद आपकी कजन नहीं है मगर तब भी आपने सवाल किया है तो इसका जवाब मैं जरूर दूंगा। उनका स्वास्थ्य खराब रहता है, मीन लगन है उनका और मीन लगन के हिसाब से पिछले 2.5 से 3 सालों से इनकी तबीयत खराब ही रही है। एक आरोग्य पूजन करवाइए इनके लिए, उससे इनको फायदा होगा। अब बात करते हैं शुक्र की, तो शुक्र के साथ में राहु की जो प्लेसमेंट है वो पर्टिकुलरली इनकी चेस्ट को लेकर या पेट को लेकर ज़्यादा तकलीफ देती है, इसलिए इनको किसी अच्छे गैस्ट्रेंटोलॉजिस्ट को या किसी अच्छे ENT स्पेशलिस्ट को दिखाया जाए। और अभी तक ग्रह दशा के मुताबिक आप समझ लीजिए कि अप्रैल 2015 तक इनकी तबीयत जो है वो ऐसे ही ऊपर नीचे रहेगी। गॉड ब्लेस यू। जी पंडित जी, हालांकि जब आप रिशान जी के बारे में बता रहे थे तब हमारी PCR की टीम जो है गलती से सुनील गावस्कर जी की तस्वीर दिखा रहे थे, तो मैं कोई उसके लिए बेहद, क्योंकि अभी गावस्कर जी की बात कर ही रहे थे जी, तो बिल्कुल चाहिए नहीं गावस्कर के अगले 2.5 नहीं, क्या है आज भी गावस्कर जी को मानने वाले करोड़ों लोग हैं और ऐसे में उनको ऐसे लगेगा कि जो आप रिशान जी के कजिन के लिए बता रहे वो कहीं गावस्कर पर तो लागू ना पड़े, तो मैं उसके लिए बेहद खेद व्यक्त करता हूँ कि जो हमसे गलती हुई उसके लिए। अब हम बढ़ते हैं
पंडित जी धोनी के ऊपर, क्योंकि धोनी को लेकर भी जिस तरह से अटकलें चल रही है, क्योंकि ये पूरा क्रिकेट का जो एक सेगमेंट खत्म होने के बाद हमें और भी कई सारी चीज़ों पे जाना है, तो महेंद्र सिंह धोनी जो है आने वाले कुछ दिनों में तकलीफ में आ सकते हैं, ऐसे कुछ एजेंसियों के आला अधिकारियों का कहना है। क्या सही में धोनी के हाथ से कोई गलती हुई है या उनके कुंडली में कोई ऐसी बात छिपी है कि जिसको लेकर वो तकलीफ में आ सकते हैं? देखिए, जब हम महेंद्र सिंह धोनी की बात करते हैं तो 7/7/1981 मंगलवार का दिन था, बहुत ही अच्छा मंगल। एक छोटी सी रेलवे की नौकरी करते करते एक मेधावी बेटा रांची से बाहर निकला, जिसने पूरे देश को अचंभित कर दिया। सिंह राशि का मालिक है वो, और मिथुन लगन है। मिथुन लगन भावनात्मक लगन है, कहीं ना कहीं भावनाओं में आके इन्होंने एक नहीं बहुत सी गलतियां की हैं, और इन गलतियों का मुआवजा उनको भुगतना है, इस बात में कोई दो राय नहीं। और लगन में इनके बुध बैठा हुआ है, जो अच्छा है। अब तक तो ये सितारे की तरह चमकते रहे, जिधर भी हाथ डाला उधर ही इन्होंने छक्के पंजे जड़े, और राहु की महादशा भी इनकी चल रही है। तो मित्रों, एक बात पक्की है कि 11/6/2015 से पहले पहले धोनी जो है वो कहीं ना कहीं सीबीआई की इंक्वायरी या कोई एक बड़ी कोई सिक्योरिटी एजेंसी की जो इंक्वायरी है उसके अंदर आएंगे। और मैं आपके शो के माध्यम से, आप जो बोल रहे थे ना अभी कि कहीं से सुनने को आता है जी, ये आपके शो से ही लोगों को सुनने को आया है कि जब मैंने भविष्यवाणी की थी धोनी की तो लोगों ने बहुत बुरा भला कहा था। मगर कहीं ना कहीं मित्रों, ये वो सीमित कंपनी के साथ में जुड़े हुए हैं, कहीं ना कहीं इनकी धर्मपत्नी बिंदु के साथ देखी गई है, कहीं ना कहीं इनकी इन्वॉल्वमेंट चेन्नई सुपर किंग के साथ में है, कहीं ना कहीं चेन्नई सुपर किंग जो है वो मियप्पन के साथ में और एन श्रीनिवासन के साथ में जुड़ा हुआ है। ये सारा जो ताना बाना बुना हुआ है, ये इनकी ग्रह दशा खराब होने की वजह से बुना हुआ है, क्योंकि ग्रह दशा जब खराब होती है तो आप नेसोडेमिया से यहाँ आ जाते हो जेल में बंद होने के लिए। आपने देखा होगा सुब्रत राय सहारा जो है, जब ग्रह दशा अच्छी होती है तो ललित मोदी की तरह आप देश छोड़कर आप दूसरे देश में चले जाते हैं, ताकि आप उस पर्टिकुलर मोमेंट के लिए बच जाते हैं, उस सब समस्याओं से आपको ग्रह दशा भगा देती है ताकि आप सेफ रहें। मगर मित्रों, धोनी की अब जब कुंडली का अध्ययन करते हैं तो 19 जुलाई 2014, आज वो हमारे कैप्टन हैं, बहुत सम्मान है मेरा उनके प्रति। मगर जब हम कुंडली का अध्ययन करते हैं तो ग्रह दशा क्या बोलती है उसको बताना पड़ेगा। नियति अपना काम करती है, भगवान ने जो लिखा है उसको मिटाना किसी के हाथ में नहीं है। इसलिए धोनी जो है उनको फूंक फूंक कर पांव रखने होंगे, उनको अपनी गलतियों को सुधारने के लिए बार बार उन गलतियों को पढ़ना होगा कि मैंने कहाँ गलती की जी, जी, जी। क्योंकि आदमी अचानक कभी ना कभी पैसे के लालच में या किसी ना किसी तरह मुसीबत में फंस जाता है। और इस वक्त उनकी राहु की महादशा में, इस वक्त अगर हम कुंडली का अध्ययन करते हैं तो राहु की महादशा में मित्रों बुध चल रहा है। 11/6/2015 तक राहु में बुध जो है उनकी बुद्धि को भ्रष्ट कर सकता है, और वो कर चुका है, February 2011 से ही कर चुका है, February 2011 से वो कर चुका कहीं है, कहीं ना कहीं उस चक्कर में वो फंसते हुए नजर जी, आ सकते हैं। जी, जी। तो ये थे पंडित राजकुमार शर्मा, जो ये कह रहे थे कि आने वाले कुछ दिनों में महेंद्र सिंह धोनी को अपने गलतियों की कीमत चुकानी पड़ेगी। पंडित राजकुमार शर्मा जी के साथ भविष्यवाणी में और भी कई सारी बातें हम उनसे समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन यहाँ पर लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। समय का टॉर्चर तो सभी सहते हैं, पर टिकते वही जो समय के साथ बहते हैं। जब तारे और टैरो का कनेक्शन हो तो हर कार्ड कुछ कहता है, मेरे यानी क्रिस्टीना साइकिया के साथ। देखिए तारे, टैरो एंड टिप्स हर रोज 11 न्यूज पर। क्या फ्रॉड में फंसा है आपका पैसा? क्या स्कैम में उलझी है आपकी रकम? नमस्कार, मैं हूँ रवि नथानी। डोंट वेट फॉर अ लॉन्गर पीरियड बिकॉज ये तो वो टाइम बाग प्रेस में चला जाएगा और फिर आप कुछ नहीं कर पाएंगे। क्या आपके साथ भी किसी कंपनी ने किया है धोखा? कंपनी को बोले बॉस दिस इज द लिमिट, यू हैव टू गिव माय मनी बैक। कंज्यूमर ने हमें कंप्लेन दी कि मेरे पैसे बैंक ने लूट लिए।
स्कैम्स एंड फ्रॉड की टीम आपको देगी पूरी मदद। हमारी पूरी टीम इस चीज को इन्वेस्टिगेट कर रही है, एक एक पन्ना पढ़ रही है। स्कैम्स एंड फ्रॉड रोजाना शाम 7:27 पर, रोजाना दोपहर 2:27 पर। ब्रेक के बाद भविष्यवाणी में फिर एक बार आप सभी का स्वागत है। पंडित राजकुमार शर्मा जी के साथ भविष्यवाणी का जो कार्यक्रम शुरू है, ब्रेक पर जाने के पहले हमने बीसीसीआई के बारे में, सुनील गावस्कर के बारे में और महेंद्र सिंह धोनी के बारे में पंडित जी से कुछ बातों को समझने की कोशिश की थी। अब समय आया है कुछ ऐसे शख्सियतों का कि जिनको लेकर पूरे देश में चर्चा चल रही है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही फरमाया है, हम बात कर रहे हैं सुब्रत रॉय सहारा, यानी लोग जिन्हें सहारा श्री के नाम से जानते हैं, वही सहारा इंडिया परिवार के सर्वे सर्वा सुब्रत रॉय को लेकर जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया है, उस निर्णय से पूरे देश में हलचल बनी है। उन्हें 10,000 करोड़ रुपए जो करोड़ रुपयों को कोर्ट में जमा करने के लिए कहा है, अब बातें ये चल रही है कि वो पैसा कैसा इकट्ठा करेंगे, क्या सुब्रत रॉय बाहर आएंगे। पंडित जी, क्या होगा सुब्रत रॉय जी? देखिए, जब हम उनकी कुंडली का अध्ययन करते हैं तो मित्रों, आपने एक एक चीज को अनुभव किया है, जैसे राजेश जी आपको कहते हैं। मेरा सटीक सवाल है पंडित जी, क्या सुब्रत रॉय बाहर आने के बाद फिर एक बार सहारा इंडिया परिवार जो है उभर पाएगा, या अब दिन ब दिन वो थोड़े से फीके होते जाएंगे? नहीं, उनकी जब हम कुंडली का अध्ययन करते हैं तो मैंने आप हमेशा बोला है कि एक ऐसा व्यक्ति जो किसी के सामने खड़ा हो जाए तो उसका बल छीन ले, एक ऐसा व्यक्ति जो प्रभावशाली है। अब वो, क्योंकि अपने शो के माध्यम से ही हमने 3 बार बोला था कि वो अभी 10 को भी नहीं आएंगे और 25 को भी बाहर नहीं आएंगे, अगर आपको याद होगा जी। तो अब उनको तारीख मिली है 3 तारीख का। जब हम गोचर देखते हैं तो मित्रों, शनि के साथ में मंगल अलग हो गया है, राहु शनि के साथ में बैठा हुआ, तो उनको जैसे 25,000-34,000 करोड़ से 10,000 करोड़ रुपए तक की राहत मिली थी, आगे आने वाले दिनों में पॉसिबल है कि 3 तारीख से लेकर 20 अप्रैल तक उनको सुप्रीम कोर्ट या जो बाकी एजेंसीज हैं वो राहत मिल जाए और वो बाहर आ जाए। अब बात करते हैं कि उनका जो एम्पायर है वो कम होगा या ज़्यादा होगा। उनका एम्पायर आगे आने वाले दिनों में विदेशों में फैलेगा और देश में भी कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि जो सूर्य उगता है उसकी कमी सबको, उसकी रोशनी जो है सबको महसूस होती है। मगर यहाँ पर एक बात कहने से मैं बाज नहीं आऊँगा कि उनको अपनी सेहत का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा, इसलिए उनकी सेहत के ऊपर आघात हो सकता है, उनको अपनी सेहत का ध्यान रखना पड़ेगा। मगर 3 तारीख की जो उनकी जो तारीख है उससे लेकर 20 तारीख तक कहीं ना कहीं वो उनको राहत मिल जाएगी और वो बाहर भी आ सकते हैं। गॉड ब्लेस यू। उनको राहत मिलेगी और वो बाहर भी आएंगे। क्या वो बाहर आने के बाद जिस तरीके से राजनीतिक गलियारों में उनकी हवा चलती थी, क्या उसी तरह से चलेगी या उसमें कोई कमी होगी? देखिए, क्योंकि एक बार कार्रवाई होने के बाद लोग जो है थोड़े से हिचकते हैं, दूर रहते हैं। अब जो है देखिए, यहाँ पर उदाहरण मैं आपको मतलब बता देता हूँ कि जैसे सोनिया गांधी ने अशोक चव्हाण की जब तारीफ की और ये कहा कि उनके ऊपर किसी तरह की पाबंदी नहीं है, तब जो है भारी मात्रा में लोग उनके साथ खड़े रहे, उनके पीछे गए, तो ये सारी चीज़ें जो ये सहारा श्री के साथ होगी क्या? 14 तक तो ये बातें नहीं होती हुई दिखाई देती, क्योंकि आपको याद होगा कि 20 मई तक तो मैंने एक जैसे एक अंकुश लगाया हुआ है कि 20 मई तक कुछ समस्याएं जो है उनकी बढ़ सकती हैं, मगर अभी कुछ समस्याएं जो हैं वो 3 तारीख के बाद में उसकी रिकवरी शुरू हो जाएगी। अब बात करते हैं कि पॉलिटिकल पार्टी जो उनको सपोर्ट करती थी, क्या बाद में भी सपोर्ट करेंगी? यस, पॉलिटिकल पार्टीज बाद में भी सपोर्ट करेंगी, क्योंकि उस आदमी की कुंडली की ग्रह दशा ही ऐसी है, कहीं ना कहीं लोग वापस उनके साथ जुड़ेंगे, लोग वापस उनकी कंपनीज में इन्वेस्ट करेंगे। मगर अब भी इस बात को नकारा नहीं जा सकता कि अप्रैल 2015 तक उनको फूंक फूंक कर कदम रखने होंगे, विश्वस्त से विश्वस्त पुरुष पर भी विश्वास नहीं करना होगा। ये एक जेल जो हुई है उसके बावजूद भी अगले 3 से 6 महीनों में उनके ऊपर एजेंसीज, सुप्रीम कोर्ट सख्त हो सकती हैं, उनको अपने
हर काम में सोच समझ कर आगे चलना पड़ेगा, यानी अब अगर छूट जाते हैं तो अगस्त सितंबर फिर उनके लिए खराब है राजेश जी, फिर वही सिचुएशन ना आकर खड़ी हो जाए। इसलिए पूरी तरह से अपनी सपोर्ट जो है वो अपने वकीलों के प्रति और ग्रह दशा को शांत करने के लिए अपनी अपना ध्यान रखना चाहिए। जी पंडित जी, कांदिवली से राहुल जी आपसे बात करना चाहते हैं। राहुल जी पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं पंडित जी से? नमस्ते पंडित जी। हाँ नमस्कार जी। पंडित जी मेरे भाई के बारे में मेरे को पूछना है, उसका नाम अतुल है। फोन भी किया था क्या? जी नहीं नहीं अभी नहीं। हाँ बोलिए बोलिए, क्या नाम है भाई का? अतुल नाम है। हाँ। उसका बर्थडे 27/10/92। हाँ पंडित जी ये बात करना है कि उसे शादी की बात करनी है, समय तो पता नहीं है पंडित जी। हाँ तो टाइम, दर्शकों से अनुरोध है टाइम जरूर बताया करें, क्योंकि टाइम के बिना बात जो है बनती नहीं है। तब भी आप सवाल करिए क्योंकि 2 और 7 9। हाँ बताइए क्या सवाल है आपका। वही पंडित जी शादी की बात कर रहे हैं, लेकिन शादी का तय नहीं हो जा रहा है। 1992। हाँ मैं तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि उनके पढ़ने के दिन है, उनको पढ़ने दीजिए आप, या उन जो काम कर रहे हैं अभी तक 1.5 से 2 साल तो उनकी शादी नहीं लिखी हुई। कम से कम अप्रैल 2015 तक तो मुझे कहीं दिखाई नहीं देता है कि उनकी शादी है। इसलिए आप चुपचाप भगवान की कृपा से उनको काम करने दीजिए। गॉड ब्लेस यू। हाँ जी पंडित जी, जहाँ तक बात है सुब्रत रॉय की, तो सुब्रत रॉय जो है अपने उनके कई करीबी है, कई लोगों की सपोर्ट सिस्टम उनके पास है। क्या वो इस तरीके से तकलीफ में आए तो आपने ये कहा कि विश्वस्त से विश्वस्त पर भी विश्वास नहीं करना चाहिए, वो जो तकलीफ में आए आपको क्या लगता है कि उनके परिवार के या उनके इर्द गिर्द रहने वाले कुछ लोगों की गलतियों के कारण ही वो तकलीफ में आए? देखिए ऐसा है, जब ग्रह दशा खराब होती है तो आदमी जो है वो अपने आप उस तरफ भागता है, उसमें मित्र शत्रु बन जाते हैं, शत्रु अजात शत्रु बन जाते हैं, और अजात शत्रु जो है वो आपके ईर्ष्या करने लग जाते हैं, मित्र की भांति सामने आते हैं। मगर यहाँ पर ग्रह दशा कहती है कि उनको किसी ने डैमेज नहीं किया, उनको अपने ओवर कॉन्फिडेंस ने डैमेज किया है, उनको किसी ने जाकर कोई कंप्लेन नहीं की है, वो खुद अपने ही ग्रहों के शिकार हुए हैं। आजू बाजू वाले लोग जो हैं वो डेफिनेटली उनको चढ़ाते रहे होंगे। मुझे तो इतना ज़्यादा ज्ञान नहीं है कि उनकी जीवन शैली कैसी है, एक राजा की तरह है ये हम जरूर टीवी में देखते आए हैं, मगर ग्रह दशा का निर्माण जो है वो उनको खराब किया है, और उसी के कारण वो ओवर कॉन्फिडेंस में, या एक और का बात हो सकती है कि कहीं ना कहीं उनका देश प्रेम भी आड़े आ गया होगा। और ये सब चीज़ों का अगर हम अच्छी तरह से विश्लेषण करते हैं तो मैं बार बार बुरे ग्रह दशा जो है उनको ही आगे लेकर आऊँगा कि कहीं ना कहीं उनकी ग्रह दशा ऐसी थी कि यहाँ पर उनके मित्र जो हैं वो शत्रुओं की भांति देखने लग गए होंगे। अब भी उनके कुछ मित्र ऐसे हैं जो उनके लिए प्रयत्नरत होंगे, ये बात तय है। जी पंडित जी, तो हम उम्मीद करते हैं कि सुब्रत रॉय सहारा जो है उनको उनकी कुंडली के आधार पर ही कोई सहयोग मिले और वो जल्द से जल्द जेल के सलाखों के पीछे बाहर आए। पंडित जी अब जो है हमें थोड़ा सा मुड़ना होगा दलाल स्ट्रीट की ओर, क्योंकि इस हफ्ते एक सबसे बड़ी बात हुई है और ये है शायद जो लोग गुड़ी पाड़वा मनाने की होड़ में लगे हैं उनके लिए भी एक बेहद खुशखबरी है। सोने के जो दाम है पंडित जी वो 28,000 के आसपास आ गए हैं। 31,000 से निकला हुआ सोना जब 28,000 के आजू बाजू में आकर ठहरा है, तो क्या जो अब शादियों के दिन आएंगे, शादियों के मुहूर्त होंगे, सोना और गिरेगा? देखिए आपके शो के माध्यम से पिछले हफ्ते जब पिछले साल में भी आपने जो भविष्यवाणी की थी और उस अभी उस... भी पिछले हफ्ते मैंने बोला था कि सोना 28,500 के नीचे आएगा। तो मित्रों अगर आप अच्छी तरह से गुरु की प्लेसमेंट देखते हैं तो गुरु इस वक्त तीसरे घर का मिथुन राशि का नीच बैठा हुआ है, शनि राहु और मंगल बैठे हुए थे, मंगल अभी बदल गया है, मगर आज अगर हम अच्छी तरह से कुंडली का अध्ययन करते हैं तो सोना 28,400 चल रहा है, उससे नीचे आने के योग पक्का बनते हैं। गुड़ी पाड़वा के दिन हो सकता है 100-200 रुपये सोना बढ़े और चांदी 2,000-1,500 रुपये बढ़े, मगर कहीं ना कहीं सोना आगे आने वाले एक महीने के अंदर अंदर, क्योंकि डॉलर पिट रहा है और रुपया मजबूत हो रहा है, इसके कारण भी सोने की कम भाव में, सोने की कीमत में कमी आएगी देश में,
यानी विदेशों में अगर सोना $1,300 आ जाता है तो डेफिनेटली यहाँ पे 27,500 आ जाएगा, तो सोना कहीं ना कहीं 27,500 आते हुए दिखाई देता है। मगर चांदी में मैं हमेशा कहते आया हूँ, जब 42,000 के करीब करीब आए उसको पकड़ लीजिए और वाप इन्वेस्ट करिए। अगर 500 से 1,000 पॉइंट नीचे आती है तो एक एक लॉट या दो या 500 ग्राम या एक एक किलो लेकर उसको उसकी एवरेज मेंटेन कर सकते हैं फिर 45 के ऊपर। चांदी के लिए मैं आज भी बुलिश हूं, मगर सोने के लिए थोड़े से आप निचलतम स्तर देखेंगे। लेकिन क्या ये जो निचलतम स्तर जो है सोने का, ये और कितने समय तक बरकरार रहेगा ऐसा आपका मानना है? मेरे को तो कुंडली के हिसाब से 20 मई तक ये जो है ये सोना नीचे आता हुआ दिखाई देता है, और अगर कहीं बीच में एक आध जंप मारता भी है $200-300 का या $1.5 दो 10 से 15 या $20-25 का, तो डेफिनेटली ये वापस उसी रफ्तार से अगले 48-96 ओवर में नीचे आता हुआ दिखाई देगा। अंतर्राष्ट्रीय मैं अकेला जब मैं फाइनेंशियल प्रेडिक्शन करता हूँ राजेश जी, तो वहाँ पे मैं 3-4 चीज़ों का समावेश ले लेता हूँ। एक तो ग्रह दशा क्या कहती है, दूसरा अमेरिका में डॉलर की परिस्थिति क्या है, और अमेरिका में जो हर वेडनेसडे को बेन बेनेंकी या फेडरल रिजर्व के चेयरमैन जो है वो क्या स्टेटमेंट निकालते हैं, एम्प्लॉयमेंट रेशो क्या है, क्योंकि अमेरिका से पूरा विश्व चलता है और हिलता रहता है। साथ ही में हम यूरोप की परिस्थिति देख लेते हैं और हमारे देश की पॉलिटिकल परिस्थिति और हमारे देश की आर्थिक परिस्थिति, और साथ में फिर ग्रहों का समावेश पूरा मिलाकर एक बहुत ही अच्छा कंपैटिबिलिटी चार्ट बनाया जाता है, सुदर्शन चक्र जिसको हम बोलते हैं, तब जाकर सोना चांदी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और डाउ जोन और नैस्टेक की भविष्यवाणियां की जाती हैं, जिससे भगवान की कृपा से 90-95% सफलता सामने नजर आती है। पंडित जी अब जो है दलाल स्ट्रीट पर चलते हैं और क्या होगा दलाल स्ट्रीट पर, शेयर बाजार का हाल इसको समझते हैं। देखिए शेयर बाजार में जितने भी एनालिस्ट थे वो सब फेल हो गए हैं आज अगर हम देखने को जाएंगे। राजेश जी आप हैरान होंगे कि शेयर बाजार इलेक्शन होने के बावजूद भी कौन सी सरकार आएगी किसी को पता नहीं अभी, मगर तब भी शेयर बाजार हर रोज जंप मार रहा है। शेयर बाजार 22,400 का आंकड़ा छू चुका है, कहीं ना कहीं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज हमारी बात सुनता हुआ दिखाई देता है। 22,400 का आंकड़ा बहुत बढ़िया, अगर हम बैंकिंग सेक्टर को देखें तो कहां से कहां जंप मारा उसने, 1400 से 1900 हो गया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया ने 25 रुपये, ये बैंकिंग सेक्टर ने बहुत अच्छा बड़ा जंप मारा, और साथ में जितनी भी आईटी इंडस्ट्री थी डॉलर के कमज़ोर होने से उसमें भी अच्छा उछाल दिखाई दिया। अब आज के दिन बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो है 22,570 यानी ज़्यादा 150-200 पॉइंट ही इस महीने इस हफ्ते चलेगा, तो कहीं ना कहीं 22,600 तक छू सकता है मैक्सिमम, उसके बाद वापस नीचे आकर 22,000 तक भी इसका टिक सकता है। और सिमिलरली निफ्टी की बात करें तो 6,750 और नीचे का स्तर 6,500 का दिखाई देता है, और डाउ जोन की परिस्थिति देखें तो 16,650 के ऊपर जा सकता है और नीचे का स्तर डाउ जोन का 16,200 के करीब करीब रह सकता है। जी पंडित जी तेल की स्थिति अगर हम देखें तो तेल की हालत कैसी होगी? तेल भारतीय बाजार में और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में, भारतीय बाजार में तेल के भाव गिरेंगे अगर हम डॉलर की पर, क्योंकि डॉलर से इंपोर्ट करते हैं हम, ओपेक की बात करें और कुछ डाटा भी मेरे सामने मैंने रखे हुए हैं, जो डाटा की बात करें तो डाटा में दिख रहा है कि एक बार तेल के भाव जो है वो $95 यानी नीचे $95 छू सकते हैं, मगर ये $95 से लेकर $105 पर बैरल दिखाई देंगे। भारतीय बाजार में 5,750 से लेकर 6,000 तक पर बैरल नजर आते हुए दिखाई देते हैं। ठीक पंडित जी, गुड़ी पाड़वा जो है, गुड़ी पाड़वा में बड़ी मात्रा में लोग सोना खरीदते हैं और साथ ही साथ घर के बारे में सोचते हैं। इन दिनों मुंबई में अलग अलग तरीके से प्रोजेक्ट जो है वो आ रहे हैं घर को लेकर, इस गुड़ी पाड़वा को लेकर अगर हम अगले गुड़ी पाड़वा तक सोचेंगे तो जो रियल इस्टेट का मार्केट होगा किस तरह से होगा? देखिए रियल इस्टेट के मार्केट की जब हम बात करते हैं तो मंगल को देखा जाता है, मंगल की परिस्थिति अगर हम देखते हैं, शनि और राहु को मंगल छोड़कर बुध की राशि में चला गया है, कहीं ना कहीं
मित्रों, अगर आपने घर नहीं खरीदा है, कुछ अगले पिछले एक साल की अगर हम बात करें तो कुछ भाव नीचे आए थे, और जब आप पैसा लेकर जाते थे तो डेफिनेटली डेवलपर आपको 100-200 रुपया, 500 रुपया, 1000 रुपये तक पर स्क्वायर फीट कम कर देता था। मगर अब की परिस्थिति चेंज हो गई है। अप्रैल 20 तारीख से अगर आप देखेंगे तो बाजार में एक बढ़ोतरी नजर आएगी। रियल एस्टेट मार्केट 8-10% बढ़ सकती है अभी, और अगर स्थगित अच्छी स्थिर सरकार आती है तो मुंबई में वो दिन दूर नहीं जब आपको विरार में घर खरीदने के लिए 8-10 हज़ार रुपये पर स्क्वायर फीट देना पड़ेगा। इसलिए जितनी जल्दी हो सके अपने लिए घर खरीद लेना अकलमंदी होगी जी। ये थे पंडित राजकुमार शर्मा। पंडित जी की भविष्यवाणी हमने हर पहलू पर, खेल से लेकर राजनीति तक, सोचने की और समझने की कोशिश की है। पंडित जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसी तरह हर हफ्ते भविष्यवाणी कार्यक्रम में आते रहिए, और हमारे जो दर्शक हैं उनकी जो समस्या है, पारिवारिक समस्या है, उनकी कुछ निजी समस्या है, उन समस्याओं पर आप, आपके भविष्यवाणी के टोटके से अगर कुछ हल निकाल सकते हैं तो शायद हमारे दर्शकों के लिए भी वो एक बहुत बड़ा आधार होगा। साथ ही साथ आपके पास जो नेता, अभिनेता और खिलाड़ियों के बारे में और उनके संगठन के बारे में जो दिलचस्प और रोमांचक बातें होती है, उस रोमांचक बातों को लेकर हम हर हफ्ते भविष्यवाणी का ये जो मज़ा है उठाते रहेंगे। पंडित जी, आज आपने जो योगदान दिया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।